अभी हम लोग फुलवरिया डैम के करीब में हैं और ये डैम जो है बहुत बड़ा है। राहुल वर्मा, हम लोग इनसे मिलके बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। जय खान को आप फुल सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो पे बने रहे हमेशा। डैम पहले भी तो गए होंगे? काफी बार जा चुका हूँ यहाँ पे। कैसा लगता है वहाँ जाने के बाद में, कैसा फील? मेरे साथ में एक मेरे फ्रेंड है मनोरंजन जी और हम लोग नए स्थान पे जा रहे हैं और आपको आपको मैं वहाँ का व्यू दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज तो ये हमारे बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ, और काफी खूबसूरत ये डैम है और यहाँ पर्यटक। मैं काफी बार आया हूँ, कई बार इलेक्शन ड्यूटी में मुझे यहाँ पे, इससे भी आगे मैं गया हूँ डैम से भी आगे, और काफी लोगों से भी मिला हूँ। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पिकनिक का एक बड़ा अच्छा यहाँ पे स्पॉट है। बिल्कुल। और यहाँ पे लोग, बहुत लोग जानते नहीं है, बहुत लोग डरते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आने से राहुल, प्रकृति से रूबरू होने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और प्रकृति के साथ में मुझे भीड़ भाड़ वाले जगह से बेटर लगता है कि मैं प्रकृति से कहीं पेड़ पौधे या तो नदी तालाब और अच्छा जगह, मैंने ग्रीन जगह पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम लोग आज सैर करने जा रहे हैं रजौली फुलवरिया डैम में, हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग डैम का सैर करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे नज़ारा लग रहा है, यहाँ पे कुछ पर्यटक लोग भी आए हुए हैं। कैसा फील कर रहे हैं राहुल जी आप यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बार आ चुका हूँ यहाँ पे ड्यूटी टाइम में, लेकिन पहली बार यहाँ आकर के बैठा हूँ, अच्छा सुकून मिल रहा है। लग रहा है कि परिवार के साथ भी आऊं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आके? बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है, घूमने के तो जगह है ना। मैं तो कहता हूँ अभ्यास जी यहाँ पे एक कट्ठा मुझे जमीन दे दे, हम मकान बना लेंगे। ऐसे भी आप रह सकते, कोई मना नहीं करेगा आपको। रंजन जी बोट पे, बोट वो है, क्या बोलते हैं वो कश्मीर में जो बोट, बोट हाउस बोलते हैं ना उसको। पहली बार आप लोग आए? हम लोग बहुत दिन से आए, कम से कम लगभग ना 20 साल से कम नहीं आए यहाँ पे। देखिए हमारे छोटी छोटे सिस्टर लोग हैं, तो राहुल वर्मा के लिए हाय कर दीजिए आप लोग, बहुत फिल्म। हाँ हाँ, आप समझिए। और देखिए यहाँ फिल्म एक्टर राहुल वर्मा, और यहाँ सब देखिए सेल्फी लेने के लिए सब साथ में सेल्फी ले रहे हैं। तो राहुल वर्मा जो है नवादा का फेम है और ये काफी चर्चित है, और इनको स्ट्रगल करने, बहुत स्ट्रगल करके ये इतना फेम अपना बना पाए हैं। कहाँ, सिरदला से? कौन सा स्कूल का? एनुअल फंक्शन था, एनुअल फंक्शन करके आ रहे हैं। हाँ, जेपीएस बहुत नामी स्कूल है, और जेपीएस काफ़ी पॉपुलर स्कूल है सिरदला का, और वहाँ का ये एनुअल फंक्शन से राहुल जी आ रहे हैं। और यहाँ हम लोग मन किया कि थोड़ा सा डैम का जो है कुछ, हम लोग यहाँ अच्छा लगता है, नेचर ब्यूटी मुझे पसंद है, और राहुल जी को भी नेचर ब्यूटी पसंद है, और मेरे साथ में ये फ्रेंड है मनोरंजन जी है, इनको भी नेचर ब्यूटी काफ़ी पसंद है। तो हम लोग सब यहाँ सैर कर रहे हैं। देखिए पीछे का जो सीन है, बहुत बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है, पानी देख रहे हैं, और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, नीला नीला जो है, ये डैम का व्यू है, और यहाँ काफ़ी मनमोहक जगह है, और इस तरह का जगह में मुझे आना काफ़ी पसंद है। सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत ही खास दिन है, मैं राहुल जी आए हुए हैं, और राहुल जी, अरे अभ्यास जी देखिए देखिए उधर, अरे उधर देखिए, ओह क्या सीन है, एकदम मस्त, कुछ वादियाँ में इस तरह बहुत ही तगड़ा बना हुआ है, और देखिए कुछ पर्यटक लोग जो है क्या बताए, नौ नौ सर। देखिए हम लोग तो यहाँ आए थे ब्लॉग बनाने के लिए अभ्यास जी के साथ में, और साथ में पिकनिक भी हो गई है, और हम चाहेंगे कि हमेशा हर संडे को यहाँ पे आए।
पेड़ पौधे देख रहे हैं और जो पानी नीला नीला लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी नेचर ब्यूटी काफ़ी पसंद है, मैं भी नेचर ब्यूटी को पसंद करता हूँ। और मुझे तो इस डैम में जो है बोट करने का बहुत ज़्यादा जो है मन कर रहा है, बट जो है टाइम नहीं है, और नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो हम लोग सब मिल के बोटिंग का से सैर करेंगे यहाँ। इनको सोदेश जी हमारे साथ में, हमारे परम मित्र विकास जी भी आए हुए हैं, और अभी तो हम लोग शायद इसके पहले वीडियो भी बनाया है ना, गाड़ी चलते हुए जो हम लोग जिस गाड़ी से आए हैं, तो अब तो ये बताएंगे क्या कैसा लग रहा है विकास जी आके आपको यहाँ। तो मैं एक दो बार आ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्या काफी, और मनोरंजन जी मेरे साथ में है। तो ये बिहार का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल ये सत्तू ही सत्तू है, जो कि एक जबरदस्त बिहारी में कहा गया है। खाइए ना सो बिहारी एक पे भारी। तो चलिए भाई साहब, और बहुत प्यार से हम लोग को सत्तू यहाँ खिला रहे हैं। मैं गर्म पानी पीता हूँ। हाँ गर्म तो है, देखिए क्या कलरफुल है सत्तू। आप देखे होंगे वीडियो पे, अब देख रहे हैं अवधेश जी किस तरह से अपना चुस्की मारकर ले रहे हैं सत्तू का मजा। बहुत ही स्वादिष्ट है, काला नमक और जीरा दिया गया। अच्छा वो तो मैं भी महसूस किया था और खाया तो उसका चखा था, मिर्ची दांत में आ रहा है वो तो, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 5-6 मिर्ची आपको हम देते हैं खाने के लिए अलग से। गाइस देखिए ये मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, जितने भी व्यूअर्स हैं, एक देखिए अपने मेहनत और कड़ी मेहनत से कि भाई साहब का आप लोग जब भी आए हैं तो इनके हाथ एक गिलास। नमस्कार बाय 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 फिर मिलेंगे बाय बाय। बहुत ही यादगार है।
बहुत बढ़िया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इंटीरियर और बाहर का जो सीन है, यहाँ मान के चलिए तो सिर्फ जंगल जंगल ही दिखाई दे रहा है। रंजन जी बताइए, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है कि हम कुछ ऐसा वादिया में प्रवेश कर चुके हैं।